श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आज के इस वीडियो में हम जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी का रहस्य, जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, इन्हीं से संबंधित विषय पर जानकारी प्रदान करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भारत के उन महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिस कारण से इसे त्यौहार की तरह मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत में कई सदियों से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी का रहस्य। जन्माष्टमी के लिए एक प्रसिद्ध कथा है, जिसके अनुसार काफ़ी समय पहले कंस नाम का एक राजा हुआ करता था, जो अपनी प्रजा पर काफ़ी अत्याचार करता था। एक दिन जब अपनी बहन देवकी का विवाह करके उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तो उस समय आकाश में आकाशवाणी होती है कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। जब कंस ने यह सुना तो उसने अपनी बहन व उसके पति को कारावास में डाल दिया और उसकी होने वाली 6 संतानों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। तब देवकी ने अपने 7वीं संतान बलराम को अपनी एक सहेली की सहायता से कारावास से बाहर निकलवा दिया। जब देवकी की 8वीं संतान हुई तो फिर से एक भविष्यवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि उन्हें अपने 8वें पुत्र को अपने ही एक मित्र नंद के घर पर लेकर जाना है और उनकी संतान को अपने साथ लेकर आना है। तब देवकी की पति वासुदेव अपने पुत्र को लेकर अपने मित्र के पास छोड़ आते हैं और उनकी पुत्री को लेकर आ जाते हैं। इस दौरान कारावास के दरवाजे ही खुल जाते हैं और दरवाजे पर खड़े सैनिक भी बेहोश हो जाते हैं। और ये भी कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब वासुदेव जी जब अपने पुत्र को लेकर यमुना नदी को पार कर रहे थे, यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ था, खूब घनघोर बारिश आदि तूफान था। तो जैसे ही वासुदेव जी के पुत्र के पैर यमुना नदी को स्पर्श करता है, सब कुछ शांत हो जाता है और इन्हीं का नाम कृष्ण होता है। जब सुबह कंस देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए आता है तो वह कन्या को उठाकर दीवार की तरफ फेंकता है, लेकिन वह लड़की एक देवी का रूप लेकर हवा में लुप्त हो जाती है। इसी मान्यता से आज तक भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी एक पवित्र त्यौहार है जिसे लोग बड़ी ही श्रद्धा से मनाते हैं। जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के दिन मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जिस कारण प्रतिवर्ष भाद्र मास में जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? जन्माष्टमी को भारत में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन लोग व्रत रखते हैं और रात के 12 बजे प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। इस दिन मटकी फोड़ने के कार्यक्रम भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कई लोग हिस्सा लेते हैं। कई जगहों पर तो फूलों व रंगों की होली भी खेली जाती है। इस दिन लोग कृष्ण भगवान के बाल रूप को झूला भी झूलाते हैं। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान कृष्ण की भव्य आरती की जाती है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती है। इसके साथ साथ नृत्य का कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? विभिन्न कथाओं के अनुसार मान्यता है कि जब इस दिन धरती पर पाप बढ़ने लगे तो भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस धरती को पाप मुक्त किया। उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर जन्म लिया, इसीलिए लोग इस दिन भगवान के इस धरती पर
अवतार लेने पर इसे एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। वीडियो संपादक, अंत में यह आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर इस वीडियो के द्वारा जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों व परिजनों के साथ साझा अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।